ऑर्डर बताइए सर। टोमेटो राइस। ओके सर। ओके मैडम। क्या चाहिए मैडम? वन डोसा। ओके मैडम। ओके सर। ऑर्डर बताइए सर। मिल्क शेक। ओके सर। मैडम मिल्क शेक। मैंने नहीं बोला। वो सर ने बोला मैडम। हमारे ऑर्डर मैच हो रहे हैं ना, इसलिए ये भी गेस किया था। मेरा गेस सही है क्या? माय सेल्फ अजय। प्रिया। हाय। हाय अजय। हेलो। हाउ आर यू? गुड। योर बैग? ओह थैंक यू। रेस्टोरेंट में बैग भूल गई थी, ये फोन करके बताने के लिए और बैग लेके आने के लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम। यू नो इस बैग में रेड क्रॉस के लिए फंड्स रिलेटेड चेक्स हैं। क्या तुम रेड क्रॉस के लिए काम करती हो? हाँ। चलो हमें निकलना होगा। श्योर। और बताओ ना भैया, मुझे कुछ पैसे दो ना भैया। भैया दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी। नहीं जाओ जाओ भैया, प्लीज भैया। ए लड़के बात सुन, अगर तू यहाँ पर मुझे फिर से भीख मांगते हुए दिखा ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। चल। बेटा एक रुपया तो दे दो बेटा। अजय उस लड़के को क्यों नहीं दिया? अगर उसे भीख मांगने की आदत पड़ गई तो पूरी जिंदगी वो भीख मांगते रहेगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, वो मेहनत नहीं कर पाएगा। प्रिया ऐसा ही होता है, लेकिन हम उसे ये करने में बढ़ावा देते हैं। वो दादी मेहनत नहीं कर पाएगी, उन जैसे लोगों की मदद करना गलत नहीं है। माफ करना पर मैं ऐसे ही सोचता हूँ। हेलो। हेलो अजय। तुम्हें देखे एक हफ्ता हो गया है। कहाँ मिलना है बोलो? हम जहां मिलते हैं हमेशा उस पार्क में। ओके मिलते हैं फिर। ओके। हे तुम कब आई? जस्ट नाउ। और बताओ कैसी हो? अच्छी हूँ। एक्स-रे में। चलो 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 चलो। ये तितली की जगह अगर मैं होता तो बहुत अच्छा होता ना। यू नॉटी। लव यू प्रिया। तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए।
मुझे तुमको देखने का मन कर रहा है अजय। मुझे भी तुमको देखने का मन कर रहा है प्रिया। मेरे घर आ जाओ ना। तुम्हारे घर? मेरे घर में कोई नहीं है। ठीक है, हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए ना। साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ये बताओ घर में कोई नहीं है, कब आएंगे? एक हफ्ते बाद। अच्छा, कॉफी? ओके। इंडिया के बारे में सोचे तो हमें मिडिल क्लास की याद आती है। मेरे जैसे मिडिल क्लास के पास खुद का घर नहीं होता, लेकिन खुद का शहर होता है, और मेरा शहर है वाइज़ैक। मैं यहीं पर पैदा हुआ। मैं कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ाई के बाद मेरी ज़िंदगी में ब्राइटनेस नहीं है। कॉल आया तो फ़ोन वाइब्रेट होना कॉमन है, लेकिन आदमी वाइब्रेट हो रहा है तो उसका मतलब है कि कर्ज लिया होगा या गलत काम किया होगा, ऐसा सोच रहे हैं ना? यस, तो आपकी सोच करेक्ट है। मेरी जिंदगी अच्छी होगी ये सोचकर उसी जिंदगी को गिरवी रख दूं सोच रहा हूं। मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ, मेरा कोई अपना होता तो बहुत अच्छा होता। वो मुझे हर वक्त मोटिवेट करता रहता। मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। सॉरी प्रिया, रेश हो रहा था इसलिए तुम्हारा कॉल मिस हो गया। अजय, कॉल मिस हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे मिलना है ये भूलना मत। शाम को बीच पे मिलते हैं। ओके प्रिया। हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा आ जाता है जो हमारे जीवन को प्यार से भर देता है, और उनके लिए ही हम जी रहे होते हैं। वो जब हमारे पास में होते हैं तो उनकी बातें, और जब वो दूर चले जाते हैं तो उनकी बातें याद आती हैं। और फिर मेरी लाइफ में आई प्रिया। प्रिया, कुछ बात करनी थी ना? मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर रहे हैं अजय। हमारे प्यार और तुम्हारे बारे में बताया मैंने। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारा जॉब उनको पसंद नहीं। मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं पसंद। 3 साल के हमारे प्यार को बस 3 महीने का समय दो, मैं सेटल हो जाऊंगा। अजय, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे अलावा कोई और लाइफ पार्टनर के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। हमेशा मेरे लिए कुछ भी करोगे ऐसा कहते थे ना, अब मुझे लेकर भागने के लिए बोल रही हूँ। अब बताओ तुम ये कर सकते हो? प्लीज प्रिया, रोना मत। मैंने तुम्हें रुलाने के लिए प्यार नहीं किया है, मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए किया है। देखो, हम प्यार करके जितना खुश हैं उतना ही खुश हमें शादी के बाद भी रहना है। वो खुशी सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे अपनों के लिए भी होनी चाहिए। I really love you. जल्दी कुछ करो ना। टेंशन मत लो, 3 महीने में ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से शादी की बात कर लूंगा। तुम देखना, सबके सामने ही हमारी शादी होगी। ये मेरा तुमसे वादा है।
अजय, अजय, क्यों बे अज्जू, फाइनेंस लेने के टाइम जो इंटरेस्ट था अब वापस देने में उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा? 3 दिन से मैं तुझे लगातार कॉल कर रहा हूँ, मिलियन व्यूज मिला है ना, और क्या चाहिए तुझे? हाँ, गाने का रिंगटोन रखा होगा, जब भी मैं फोन करता हूँ तो आइटम सॉन्ग सुनकर एंजॉय करता है क्या? वो थोड़ा बिजी था इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर पाया, सॉरी भाई। गलती करके सॉरी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम, लेकिन सॉरी बोलकर गलती नहीं करना। अजय, अजय, ये सब क्या है? कौन सा पैसा? ये लोग कौन है बताओ? ये कौन है? लवर है तेरी। नाइस टू मीट यू, आई एम डेविड भाई। वाइजेक बोले तो बीच याद आएगा ना, फाइनेंस बोले तो ये भाई याद आएगा। ये मेरे से पूरे 10 लाख लिया था विद GST, बट नो इंटरेस्ट, नो कॉल लिफ्टिंग। भाई, भाई। एक। अच्छी। ऐसा फिगर को मेंटेन करने के लिए 10 लाख कुछ नहीं है रे। बेचारा कैसे देखभाल करता होगा इसकी? देख, मुझे जल्द से जल्द दे दे 10 लाख विद इंटरेस्ट विद इन 24 आवर्स, नहीं तो इसे ले जाऊंगा मैं। प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कुछ नहीं पता। तुमको भी कुछ पता नहीं, डेविड भाई को कहाँ पहचानता है तू? इसे ले जाकर कार में डालो रे, कोई नूर हीरे जैसी है, इसको लेकर 10 लाख क्या, 10 करोड़ भी हंसी खुशी दे सकता हूँ। डेविड भाई, प्लीज भाई उसे छोड़ दो, उसे कुछ नहीं पता। अब 24 घंटों में मेरे 15 लाख दे दे और इसे लेकर जा। बाय बाय डेविड भाई। डेविड भाई प्लीज। हेलो पापा। 2 दिन से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। कहाँ हो? पापा ऑफिस में अर्जेंट काम था, सुबह ही आया हूँ इसलिए कॉल नहीं उठाया। बहन के ऑपरेशन के लिए 2 दिन में सब कुछ तैयार करना है, वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं जो हमें कल तक देना है उन्हें। मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ पापा, मैं पैसे जल्दी लेकर आता हूँ। तुम्हारी बहन को डर लग रहा, वो तुमसे बात करना चाहती। भैया ये मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल, ये कुछ नहीं चाहिए भैया, आप मेरे पास आ जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। खुशी, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
हर व्यक्ति यही सोचता है कि दुनिया को एक न एक दिन पता चल ही जाएगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अंत में व्यक्ति को पता चल ही जाता है कि ये दुनिया आखिर में है क्या। आज मेरे सामने वो दिन आ ही गया। मुझे 24 घंटों में 25 लाख चाहिए, लेकिन क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान जी, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, पर आज मैं आपसे मांगता हूँ, क्योंकि अब तक मेरी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन आज मैं बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हूँ। कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान जी, जिससे मैं इस मुसीबत से निकल सकूँ। तुम किसी तरह की प्रॉब्लम में हो ना, और तुम्हें जल्दी ही बहुत से पैसे चाहिए, है ना? आप कौन हो, ये सब आपको कैसे पता? भगवान ने भेजा है मुझे। मेरा नाम अब्दुल भाई है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम वो काम करोगे तो मैं जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा। क्या काम है? जो काम मैं बताने वाला हूँ तेरे ही लायक है, और इस काम से तेरा दुख मिट जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो तो इस नंबर पे कॉल करना। हेलो। हेलो अब्दुल भाई, मैं अजय बात कर रहा हूँ। हम जगदम्बा सेंटर में मिले थे, याद है ना? हाँ याद आया, और मुझे ये पता था कि तुम मुझे फोन करोगे। कोई काम करने से पैसे मिलेंगे बोले थे ना? क्या काम है बताओ भाई, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। पहले मेरे पास आपसे मिलने के लिए कोई भी कारण नहीं था, लेकिन अब आपसे मिलने के लिए वो कारण है भाई। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मेरे 15 लाख देकर इसे लेकर जाना। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं वो, कल तक देना है हमें उन्हें। मुझे 25 लाख चाहिए भाई। काम कोई भी हो कर लोगे ना? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम जगदम्बा सेंटर से सीधे सीधे पुराने पोस्ट ऑफिस में आ जाओ। मेरी बात समझ रहे हो ना? वहाँ पर एक पान की दुकान है, वहाँ के मुझे कॉल करना, उसके बाद बताता हूँ कि काम क्या है। ओके भाई। गांजा से लेके हीरोइन तक ने सारे विश्व के युद्ध को बर्बाद कर रहा है। शहर में ड्रग्स का कल्चर काफी बढ़ रहा है। कौन से लोग ड्रग्स को बना रहे हैं? विदेश से बहुत सारे मादक द्रव्य आ रहे हैं। ऐसा सब आसानी से मिल रहा है, तो यूथ भी इसका इस्तेमाल काफी अच्छे से कर रही है। इस ड्रग्स के धंधे के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन पुलिस उन तक कैसे नहीं पहुंच पा रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर नजर रखने के लिए बोला जा रहा है। शहर के लोग काफी परेशान हैं। हेलो अब्दुल भाई। मुकेश भाई, काम के लिए एक आदमी मिल गया। बढ़िया। हमारा माल वाइजैग से हैदराबाद ले जाने के लिए, वो एकदम सही लड़का है। डील तो सेफ है ना? कोई फिकर नहीं भाई, मैं देख लूंगा। समंदर में जाल मछलियों को पकड़ने के लिए नहीं डालते, शाक के लिए डालते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये जो शाक है ना, हमको पूरी तरह निगल जाएगी। 100 करोड़ की डील है, गड़बड़ नहीं होगी ना? हमारे धंधे में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है भाई, आप फिकर मत कीजिए। और अगर गड़बड़ हुई तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। वाइजैक का मौसम बहुत गर्म होता है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत कूल हैं। लेकिन तुम इतने ज्यादा क्यों हॉट हो? दिमाग ठंडा रखना। ये डील क्या है? बस 5% में सेट किया है भाई उसको। मतलब 50 लाख। डील ओके। कल शाम तक मैं यहीं रहूंगा, तब तक डील क्लोज कर दो। मुझे अमाउंट ट्रांसफर करना है, फिर मैं मलेशिया के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है भाई, बट वन कंडीशन, कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाऊंगा। नो प्रॉब्लम भाई, मैं संभाल लूंगा।
क्या हुआ, भूख लग रही है क्या? नहीं। तो फिर प्यास लग रही है? नहीं। भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, इसका मतलब उसके साथ डीप लव करती है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। आबा, तुमने तो टच कर दिया इधर। मेरी भी एक लवर थी, सुप्रिया नाम था उसका। उसका नाम अच्छा था लेकिन उसका दिल बेकार था, वर्कआउट नहीं हुआ। अरे रे, इसलिए लवर मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन आप दोनों के प्यार से मुझे रिस्पेक्ट है। क्या तुझे अपने प्यार पे यकीन है? 24 घंटों में तुमको बचाने आएगा वो, नहीं तो मेरा वो रिस्पेक्ट चला जाएगा। और फिर अगर मेरा रिस्पेक्ट चला गया तो भाई फिर मुझे इसके ऊपर प्यार आ जाएगा, चलेगा ना तुझे? इसका फोन लेकर रख लो तुम, और अजय का फोन आएगा तो ही इसे दे देना, ठीक है भाई? 24 घंटों में पैसा देकर तुम्हें ले जाने के लिए बोला है, याद है ना तुमको? हर एक घंटे के बाद मेरे पेशेंट्स कम होते जाएंगे और तुम पेशेंट बनती जाओगी। बी केयरफुल। ए, वो फोन ले ले इसका। मुझे और क्या चाहिए, ये काफी है। ए, अरे मेरा फोन। इडियट। वेलकम। भैया आपका नाम अजय है क्या? हाँ। अब्दुल भाई ने लेकर आने को बोला है। चलो। अजय, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। भाई काम क्या है वो बताओ। देना। ये लीजिए। अजय, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो मैं बहुत सावधानी से ये काम करना होगा। वाइजैग से हैदराबाद जाने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी कार दूंगा। उस कार की बैक सीट में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बॉक्स रखा होगा, उसे ले जाकर हैदराबाद में देना है। बस हो गया तुम्हारा काम, और उसके बाद तुम्हारे हाथ में पूरे के पूरे 25 लाख आ जाएंगे। ओह, इस काम के लिए इतने पैसे क्यों दे रहे हो? इतने पैसे आसानी से तो नहीं आएंगे ना, तो थोड़ा रिस्क तो होगा ना। काम क्या है बताओ ना भाई। हैदराबाद के एक एड्रेस पर इस माल की डिलीवरी करनी है। माल? माल मतलब क्या? अभी अभी नया नया ही आया है ना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखा क्या, छोटे से बच्चे को भी पता है माल मतलब ड्रग्स। मुझे ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करना है क्या? क्यों नहीं करोगे क्या? तूने कहा था कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो, क्या सोचा था, हलवा है क्या? नहीं भाई नहीं, मैं करूंगा, मुझे बस पैसा चाहिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा। वाइजैग से हैदराबाद जाने के लिए कुल मिलाकर 3 रास्ते हैं, ये हाईवे का रास्ता, ये दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। इन तीनों को अवॉइड करना है, अंदर के रास्ते से जाना है, हमेशा यही कोशिश करना। अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो कोई चेक पोस्ट नहीं मिलेगा, मतलब मोर सेफ। बीच बीच में मैं तुम्हें सब कुछ समझाता रहूंगा, फिर भी अगर जरूरत पड़ जाए तो तुम कभी भी जो भी रास्ता तुम्हें सही लगे वो रास्ता चुन सकते हो। और फाइनली तुम्हें बोडुप्पल के पास हैदराबाद के मेन रोड पर पहुंचना है, उसके बाद जो एड्रेस मैंने तुम्हें दिया है वहां डिलीवरी दे देना। ठीक है भाई। कुछ भी हो जाए किसी को शक नहीं होना चाहिए, तुम बहुत कैजुअली बिहेव करोगे, समझे? तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो जैसे भी हो
तुम्हें ये माल उस एड्रेस पे डिलीवर करना ही होगा। ओके भाई, करूंगा मैं, लेकिन काम होने के बाद मुझे पैसा कौन देने वाला है? ये एक नोट का टुकड़ा है, एक आदमी मिलेगा, उसके पास इसका दूसरा टुकड़ा होगा। अगर दोनों नोट मैच हो गया तो उसे माल दे देना। और ऑपरेशन कोड है M3। ठीक है भाई, वो माल है कहां पर? ये है माल, और ऐसे ही 10 और पैकेट्स हैं अंदर। इसकी कीमत है पूरे 10 करोड़ रुपए। मुझे मेरा कमीशन मिल जाएगा। अगर तुमने कुछ गड़बड़ करने की सोची तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। ओके भाई। उन लोगों को माल चाहिए, मेरे बॉस को ये डील कंप्लीट करनी है, और तुम्हें चाहिए पैसा। कब से सोच रहा हूँ कि पूछूं कि तुम्हारे इस टी शर्ट पर यह लाल रंग कहाँ से लगा? वो आते समय बाइक स्कीड हो गई थी भाई। ओ, लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ठीक है, ड्रेस चेंज कर लो। एक मिनट, थोड़ा सा पीछे जाओ। ऑल द बेस्ट, जाओ। जरूरत पड़ने पर इंसान कोई भी काम और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, ये सच में अभी मुझे पता चला है। उस काम में कितना ज़्यादा रिस्क होने वाला है ये मैटर नहीं है। जन्म के बाद मरने का रिस्क, पढ़ाई में फेल होने का रिस्क, प्यार में ब्रेकअप का रिस्क, मैरिज में डिवोर्स का रिस्क, इस लाइफ में सब कुछ रिस्क ही रिस्क है। देखा जाए तो पूरी लाइफ में ही रिस्क है। लाइफ में रिस्क लेना रिस्क नहीं है। अब जो करने जा रहा हूँ वो रिस्क नहीं है, टास्क है। भाई भाई, उस लड़की का दार्जिलिंग से फोन आ रहा है भाई। दार्जिलिंग से? हाँ? दिखाओ। अरे ये दार्जिलिंग नहीं है, डार्लिंग है। डार्लिंग है? डार्लिंग मतलब क्या होता है भाई? मतलब मैं तुम्हारी मैडम का डार्लिंग हूँ, समझे? और वो अजय वैसा ही उस लड़की का। तो फिर फोन ले जाकर उसको दे दूं भाई? लेकिन सिर्फ 2 मिनट बात करने बोलो। और एक बात, अगर टाइम से पैसा नहीं दिया तो ये लोग मार देंगे, ऐसा भी बोलने बोलना। ठीक है भाई। क्या? ये लो, तुम्हारी डार्लिंग का फोन है, लेकिन तुम सिर्फ 2 मिनट ही बात करना, ठीक है ना? प्रिया। हेलो अजय, कहाँ हो तुम? क्या है ये सब? कौन से पैसे और ये झगड़ा क्या है? ये सब मैं बाद में बताऊंगा, तुम कैसी हो? अजय, तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स पैसा लेकर आएंगे सोची थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर बांध के रखा है इन्होंने। प्लीज मुझे यहाँ से लेके जाओ, प्लीज कुछ भी करो, मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाओ। प्रिया, मेरी जिंदगी में कितने घंटे बाकी है मुझे पता नहीं, लेकिन ये 24 घंटे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 घंटों में ये पैसा उसके मुँह पर मारकर तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा, मेरा यकीन करो। प्लीज, तुमसे बात करने के बाद मुझे हिम्मत मिल रही है, जल्दी से आ जाओ तुम बस। तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी वेट कर सकती हूँ,
लेकिन तुम्हें देखे बिना, तुमसे बात किए बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन मेरे पेरेंट्स भी तो मेरे लिए टेंशन में होंगे, इसीलिए डर लग रहा है। अपने पेरेंट्स को बता देना कि आज रात तुम अपने दोस्त के घर रुकने वाली हो, मैं कल आके तुम्हें लेकर जाऊंगा। ओके। अरे अजय, ए फोन दो ना। अरे फोन मेरे पास लाओ। अजय, टाइम हो गया है, फोन लेकर आओ इधर। ये बेचारी भाई और दो मिनट बात करना चाहती है। क्या रे, तुम्हें क्या लगता है मुझ में दया नहीं है? पर मैंने जो बोला वही करने का। अजय, ओम लक्ष्मी माते नमः। माँ, आज धंधा अच्छा होना चाहिए। नमस्कार भाई। नमस्ते, कहिए। मैंने बेटी की शादी के लिए फूल ऑर्डर किए थे। ओ, बजट थोड़ा ज्यादा बोला है, थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? शुभ काम है ना, जो आप देने के लिए सोच रहे हैं तो जितना आपके पास पैसा उतना दीजिए। हमारी इस दुकान से आज तक जिन जिन लोगों ने भी फूल खरीदे हैं वो बहुत खुशी के साथ जी रहे हैं। आज से आपकी बेटी की जिंदगी भी सुख से बीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं समझ गया सर। ठीक है, नमस्ते। 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 हेलो। हेलो, क्या चाहिए? मलेशिया का ट्यूलिप चाहिए क्या? लंदन का गुलाब का फूल चाहिए क्या? नहीं तो कश्मीर का खूबसूरत फूल चाहिए क्या? मुझे दार्जिलिंग की ड्रग्स चाहिए। ए मुकेश भाई, ये क्या नया नंबर है क्या? नई डील के लिए नया नंबर मेरा स्टाइल है। क्या डील है भाई? 10 करोड़ का माल है, वाइजैक से आ रहा है। कैसे रिसीव करना है पता है ना? बिजनेस कैसे करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। खाने में क्या है? इडली वड़ा डोसा, पूरी चपाती फुलका, बटर नान रोटी, रुमाली रोटी, ऑल कोल्ड ड्रिंक्स, मक्खन दूध, चाय कॉफी, हॉर्लिक्स बूस्ट बॉर्नविटा। ऑर्डर किया तो आधे घंटे में टेबल पर होगा, क्या चाहिए सर? एक प्लेट पूरी, कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आओ।
सलाम अलैकुम मकरंद भाई। ए रहीम भाई, बहुत दिन हो गए भाई मिले हुए, क्या हुआ? आपसे थोड़ी बात करनी है भाई। ठीक है, हाँ चलो गोदाम में चलकर बात करते हैं। ठीक है चलो। हाँ। ए छोटू, रहीम भाई को ईरानी चाय बहुत पसंद है, जा लेकर आ। ठीक है भैया। भाई मैं ये काम छोड़ने के लिए सोच रहा हूँ भाई। आखिर ये क्यों सोच रहे हो भाई? अच्छा इंसान बनना चाहते हो क्या? हाँ भाई, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब ये धंधा करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। रहीम भाई, खुद को बदलना एक फूल की खुशबू जैसा है, वो फैलता रहेगा। अगर वो तुम सब में ऐसे ही फैलता रहा तो फिर मेरे धंधे का क्या होगा? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए भाई, प्लीज प्लीज मेरी मजबूरी समझिए। अगर तुम्हें छोड़ना ही है तो जान छोड़नी होगी। मैं आपके पास आया हूं इसीलिए। आप ऐसी बातें कर रहे हैं ना, मेरी मौत का सोच लिए। आपके लिए किसी को भी मारना इतना मुश्किल नहीं है भाई, फूलों की माला बनाने से भी आसान है भाई। दो होठों के बीच का और दो पैरों के बीच की चीज को पवित्र से रखना होता है भाई, नहीं तो यही होगा, जान चली जाएगी। ए छोटू, एक मिनट पहले आया होता तो रहीम भाई को जो चाय बहुत पसंद है तो उसे पी कर मरते, मिस हो गया, बैड लक है। ए इसे यहां से हटाओ। हेलो मकरंद भाई। हे डेविड भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत दिन के बाद, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा काम था इसीलिए फोन नहीं कर पाया। भाई एक छोटी हेल्प चाहिए थी। बोलो ना भाई, मैं मना करूंगा आपको? मैं एक लड़के का फोटो भेज रहा हूँ भाई, वो वाइजक में रह रहा है, मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए, और वो वाइजक से हैदराबाद माल लेकर आ रहा है, उसकी कीमत 10 करोड़ है। जरूर भाई, एक बार उसका फोटो भेज दो। ओके भाई, थैंक यू। हाँ? क्या हुआ भाई, इतने सदमे में आ गए? ये कौन है भाई, फिल्मों के हीरो जैसा दिखता है? अरे पागल, ये वो डार्लिंग वाला अजय है। ओ, मुझे तो पता नहीं है भाई, लेकिन ये सिनेमा के हीरो प्रभास जैसा दिखता है। फिर से वही बोला। ये मेरे पैसे देने के लिए और इस लड़की को बचाने के लिए शायद ये डील कर रहा होगा। ये तो मुझसे भी आगे निकल गया, पर अब ये मेरे जाल में फंस गया समझो। अब मैं उस 10 करोड़ की उस माल की चोरी करूंगा, फिर देखते हैं क्या करते हैं। प्रिया का डार्लिंग। क्यों भाई, आज ड्यूटी नहीं है क्या? कैसे होगी, हमारी क्या ड्यूटी होगी, सब कुछ लूटना ही तो है। तेरा काम बहुत अच्छा रहे, जब मन करे तब करो। और तुम्हारा क्या काम है? नहीं मेरा बहुत ही अलग है, मेरा ऑफिसर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इसीलिए ये सब हो रहा है। इसका लॉजिक क्या है सर? लॉजिक वॉजिक की बात छोड़ो, शो करो पहले। हाँ बहुत अच्छे से मारा तुमने। डेविड एक मिनट,
हेलो डेविड साहब, एक बड़ी डील है। बड़ी डील मतलब 1 करोड़? उस पर 10 और डालो। 10 करोड़ है। ए, तू थोड़ा बाहर जा रहे। ए, अब क्या हुआ भाई? ए, बाहर जा, बोला ना। ए डेविड, क्या बात कर रहे हो तुम? सॉरी भाई, मैं इधर बात कर रहा था ना। हाँ, वो 10 करोड़ का माल है। अब चलो डिटेल बताओ। वो वाइजिक से कार में आ रहा है, 4 घंटे में हैदराबाद आएगा। हाँ तो उसका फोटो भेज रहा हूँ आपको। ओके, फिर हमारी डील क्या है भाई? आप माल पकड़ के मुझे दे दो, फिर मैं उसे बेच दूंगा, उसमें 25% आपका, 75% मेरा। हेलो 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 भाई, क्या हुआ? मेरा सिर्फ 25%। ये कितना बड़ा रिस्क है पता है ना तुमको? आप तो सिर्फ पकड़ोगे, मुझे तो बेचना भी है ना, मेरे लिए भाई ज्यादा रिस्क है। रिस्क तो हम दोनों का है, इसलिए 50-50। ठीक है, फाइनल 51-49। 51-49, ये क्या बात हुई? और कुछ मत बोलिए, 5+1=6, लकी नंबर है मेरा। अपना सेंटिमेंट अपने पास रखो, मैं अपने सर्किल के स्टेशंस और चेक पोस्ट को अलर्ट पर डालता हूँ। काम मुझ पर छोड़ो। ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? अजय सर। इधर कहाँ जा रहा है? हैदराबाद। हाईवे छोड़कर इस रास्ते से क्यों? वो क्या है ना, इस रूट के बीच में एक दोस्त है, उससे मिलना है। कहाँ पर? देवीपट्टनम। लाइसेंस देखो। ये लीजिए। ये पीछे क्या है? वो इलेक्ट्रिक का सामान है सर। हैदराबाद में कहाँ जाना है? सिकंदराबाद से। ये कार किसकी है? मेरे ओनर की है सर। कहाँ रहता है तुम्हारा ओनर? वाइजैक में सर। अरे वही पूछ रहा हूँ, वाइजैक में कहाँ? जगदम्बा सेंटर। ये तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है सर। ठीक है, जा। ओके सर। सर, वाइजैक से हैदराबाद को जाने वाली एक कार में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट हो रही है, मेरे पास पक्की जानकारी है। सर, सभी गाड़ियों को अच्छी तरह से चेक करना। सर, जरा भी शक हुआ तो अच्छी तरह चेकिंग करना। सर सर, किसी भी हालत में कोई गाड़ी मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ करेंगे ना सर। ठीक है सर, कोई जानकारी मिले तो मुझे तुरंत फोन करना। अभी एक कार पास हुई है सर, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट हुआ होगा सर, वो कार अभी अभी गई है। क्या, कौन सी कार है वो? लैंसर थी, ब्लैक कलर की। नंबर नोट नहीं किया सर। ओके, अब से सभी गाड़ियों को अच्छी तरह से चेक करना। सर जरूर करूंगा सर। ठीक है सर। एक वाटर बॉटल देना। ये लीजिए। भैया ले लो ना भैया, प्लीज भैया ले लो ना भैया। भैया मेरी बहन के लिए दूध लेकर जाना है, प्लीज भैया ले लो ना भैया। एक तो ले लो ना भैया प्लीज। नहीं भैया, ए ये ले, ये तेरे लिए लेकर आया हूं। प्लीज भैया मुझे डर लगा। अरे रुक ना। प्लीज भैया। अरे छोटी क्या हुआ, बंद करो प्लीज, यहाँ से आप जाओ। प्लीज भैया प्लीज, प्लीज भैया मुझे डर लग रहा है। छोटी 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 छोटी, क्या हुआ छोटी छोटी छोटी, क्या हुआ छोटी? पापा
जब हम अच्छा काम करते हैं तब हमारा कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है, ये सोचकर खुद को दुख होता है और अंदर की आत्मा ये करने से खुद को रोकती है। पर जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं लगता है। मैं ये सोचकर डर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही भी है या गलत। भाई उस लड़की को फिर से दार्जिलिंग का फोन आ गया। सॉरी वही उसके डार्लिंग का फोन आ गया भाई, मैं फिर से जाकर फोन दे दूं। जा ए, लेकिन टाइम है सिर्फ एक मिनट। ओके भाई जा जा। एक मिनट में बेचारी कितनी बात करेगी। अरे ये कहाँ चली गई भाई। हाँ वो लड़की खिड़की से भाग गई भाई। हाँ अरे बाप रे, ए किधर गई वो। दार्जिलिंग चली गई होगी भाई। अरे ए यहीं से भाग गई है वो। चलो भाई उसे। बाप रे मेरी गोली। प्रिया जब वो मेरी जिंदगी में आई थी मेरा उससे मिलना बहुत ही अजीब था। ऑर्डर बताइए सर। टोमेटो राइस। ओके सर। ओके मैडम। क्या चाहिए मैडम? वन डोसा। ओके मैडम। ओके सर। ऑर्डर बताइए सर। मिल्क शेक। ओके सर। मैडम मिल्क शेक। मैंने नहीं बोला। वो सर ने बोला मैडम। हमारे ऑर्डर मैच हो रहे हैं ना इसलिए ये भी गेस किया था। मेरा गेस सही है क्या? माय सेल्फ अजय। प्रिया। हाय। हाय अजय। हेलो। हाउ आर यू? गुड। योर बैग? ओह थैंक यू। रेस्टोरेंट में बैग भूल गई थी ये फोन करके बताने के लिए और बैग लेके आने के लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम। यू नो इस बैग में रेड क्रॉस के लिए फंड्स रिलेटेड चेक्स हैं। क्या तुम रेड क्रॉस के लिए काम करती हो? हाँ। चलो हमें निकलना होगा। और बताओ ना भैया मुझे कुछ पैसे दो ना भैया। भैया दे दो ना मुझे बहुत भूख लगी। नहीं है जाओ जाओ भैया प्लीज भैया। ए लड़के बात सुन, अगर तू यहाँ पर मुझे फिर से भीख मांगते हुए दिखा ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। चल बेटा एक रुपया तो दे दो बेटा। अजय उस लड़के को क्यों नहीं दिया?
अगर उसे भीख मांगने की आदत पड़ गई तो पूरी जिंदगी वो भीख मांगते रहेगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, वो मेहनत नहीं कर पाएगा। प्रिया, ऐसा ही होता है, लेकिन हम उसे ये करने में बढ़ावा देते हैं। वो दादी मेहनत नहीं कर पाएगी, उन जैसे लोगों की मदद करना गलत नहीं है। माफ करना, पर मैं ऐसे ही सोचता हूँ। हेलो। हेलो अजय, तुम्हें देखे एक हफ्ता हो गया है। कहाँ मिलना है बोलो? हम जहाँ मिलते हैं हमेशा उस पार्क में। ओके, मिलते हैं फिर। ओके। हे, तुम कब आई? जस्ट नाउ। और बताओ कैसी हो? अच्छी हो। एक्सरेन। चलो 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 चलो। ये तितली की जगह अगर मैं होता तो बहुत अच्छा होता ना। यू नॉटी। लव यू प्रिया। तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। मुझे तुमको देखने का मन कर रहा है अजय। मुझे भी तुमको देखने का मन कर रहा है प्रिया। मेरे घर आ जाओ ना। तुम्हारे घर? मेरे घर में कोई नहीं है। ठीक है, हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए ना। साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ये बताओ घर में कोई नहीं है, कब आएंगे? एक हफ्ते बाद। अच्छा, कॉफी? ओके। नाइस कॉफी। थैंक यू। ये मम्मी डैडी हैं? हाँ, मेरे डैड हैं, लेकिन वो मेरी मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं है? नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है। क्या कहा तुमने, तुम्हारी माँ नहीं है? नहीं है। अजय, आज ना मेरी मम्मी का बर्थडे है। बस उनकी यादों में ही मैं अपना हर दिन गुजारती हूँ। आई मिस माय मॉम। तुम्हारी और मेरी एक ही कहानी है। हम दोनों माँ के प्यार से दूर हो गए हैं। प्रिया, क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? मैं भी तुमसे शादी कर सकती हूँ क्या? I love you, Ajay. सर, सर, प्लीज गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए सर। क्या हुआ? नमस्ते सर। क्या हुआ, ऐसे बीच में क्यों आ रहे हो? सर, मेरी बेबी टाउन के हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बहुत सीरियस है सर। खाना लेने के लिए यहाँ आया था सर, बहुत देर से बस का इंतजार कर रहा था। मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आ जाओ। ऐसा बहुत बार बोला था उसे। क्या तुम्हारी बीवी पीती है? आजकल के जमाने में कौन नहीं पीता है सर। मेरी बीवी घर को छोड़ के बार में ही पीती रहती है सर। अब सस्ती शराब पीकर अस्पताल में पड़ी हुई है। अच्छा, क्या अब कैसी है? दारू भी पीती है और डॉक्टर की दवा भी खाती है। तुम्हारा नाम क्या है? दुर्गा राव सर। क्या करते हो? गाँव में खेती करता हूँ, उसी से गुजारा चलता है सर।
सर सामने हॉस्पिटल आ गया है सर। बस गाड़ी थोड़ा इधर साइड में लगा लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भगवान आपका भला करे। सर हाँ बोलो। आपके कहने पर हमने उसे फॉलो किया, उसके ऊपर थोड़ा शक तो है। ओके ओके मैं पास पुलिस स्टेशन को अलर्ट करता हूँ। कार की डिटेल्स बताओ। लॉन्सर ब्लैक, नंबर AP27 4444। ठीक है ठीक है। ओके सर। क्या हुआ सर? बच्ची अचानक गिर के बेहोश हो। लेकिन इसे हुआ क्या? क्या हुआ पता नहीं चल रहा, डॉक्टर के पास अर्जेंट जाना है। ओके ओके आइए। क्या हुआ है? ये बच्चों के साथ खेल रही थी, फिर अचानक क्या हुआ कि बेहोश हो गई। एक्सरे लेना है, एक घंटा समय लगेगा, आप बाहर रुकिए। आपको डॉक्टर बुला रही है। हाँ, चलो चलिए। बेटी को क्या हुआ है डॉक्टर? आपकी बच्ची को प्रेसबायोक्रिसिस नाम की एक बीमारी हो गई है। The cause of presbyocrisis is a combination of genetic cumulative environmental exposures. और इस उम्र में ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। मेरी बेटी कैसे ठीक होगी? अभी बच्ची की उम्र बस 8 साल है, अभी बच्ची की सुनने की शक्ति कम होगी। उम्र 16 साल की जब हो जाएगी तब सर्जिकल इम्प्लांटेशन ऑपरेशन करना होगा, और तब तक के लिए हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा। और अगर हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया और 16 साल होने के बाद सर्जिकल इम्प्लांट ऑपरेशन नहीं किया तो फिर वो जिंदगी में कुछ भी नहीं सुन सकेगी। दिल की बीमारी होने के भी चांसेस हैं, उसके लाइफ को भी रिस्क है। अब जो मेडिसिन चाहिए वो मैं देती हूँ आपको, सबसे अच्छी हियरिंग इंस्ट्रूमेंट भी दूंगी। रेगुलर चेकअप के लिए आते रहना होगा। बच्ची का अच्छे से ध्यान रखिए। टेक केयर। तुम जब इस घर में आते थे ना, तब मैं तुम्हारे पैर हिलते हुए देखती थी, तेरी आंखों में डर देखती थी। अब वो नहीं है। कभी भी भागने की सोचना भी मत। मधु, अब वो डर नहीं रहा तुम्हारे अंदर, मेरी सोना। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या हुआ बेबी? मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। उस बेचारी को कौन है वो बेचारी? कितना कितना सता रही है वो। सीरियल में क्या? तुमने क्या किसी के घर में देखा है कि कोई साड़ी और सोना पहन के ऐसे घर के बर्तन धोता हो, या फिर घर के सारे कपड़े धोता हो? ये सब एक नंबर का ढकोसला है, तुम और तुम्हारे सीरियल की। इसके सीरियल ने मुझे पागल बना दिया है। क्या बेबी, तुम भी ना? ऐसा नहीं है बेबी, देखो ना बहुत ज्यादा देर हो गई है, चलो चल के सो जाते हैं ना बेबी। हाँ बस 2 मिनट, सीरियल चल रहा है ना, ये होने के बाद ड्रेस चेंज करके आती हूँ। प्लीज बेबी, बेबी प्लीज 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 प्लीज, मेरी जिंदगी खराब कर दी है। प्लीज अभी तुम जाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ, जल्दी आ जाना। तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। बेबी बोलो ना बेबी। बेबी उस सीरियल में वो सिरिशा का नेकलेस देखा, कितना अच्छा था ना? वो रोल गोल्ड है, तुम्हें पता है वो कितना महंगा है, इसीलिए मैंने ऐसे सीरियल देखने से मना किया था। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे वो चाहिए बस।
बेबी, अभी भी तुम उस सीरियल की बात क्यों कर रही हो? चलो ना, हम लोग हनीमून का प्लान करते हैं। 10 बार मैंने बोला तो है, लेकिन एक बार भी मुझे लेकर नहीं गए। इस बार मैं जरूर लेकर जाऊंगा, ठीक है ना? तो बताओ कहाँ जाना है? गोवा, मलेशिया, दुबई चलेंगे। बेबी को दुबई पसंद है क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, उधर सोना बहुत सस्ता है, सड़क पर भी बेचते हैं ऐसा सुना है मैंने। तुम सच में कितनी अजीब हो। मैं यहाँ पर बैठ के हनीमून का प्लान करने के बारे में सोच रहा हूँ और तुम हो कि तुम्हें शॉपिंग की पड़ी है। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे लेकर जाओगी या नहीं? ठीक है, मैं कुछ प्लान बनाता हूँ जिससे मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकूँ। अब आओ ना बेबी। हेलो। हेलो बेबी, बिना शादी किए 6 महीने से हम दोनों साथ में रह रहे हैं। बेबी क्या चाहिए, जल्दी बोलो। बेबी अभी टीवी में एड देखा मैंने, उसमें हार कितना अच्छा था पता है क्या? बेबी बस इतनी सी बात है क्या? तुम फोन रखो, मैं आने के बाद तुम्हें वो नेकलेस खरीद दूंगा, समझ गई? उसके बाद तुम वो नेकलेस पहन के अच्छे से देख लेना, तब तक तुम अपने सीरियल ऐसे ही देखती रहो, ठीक है ना? ओके बेबी बाय। जब देखो मुझे बेबी बेबी कह के पकाती रहती है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए कहती रहती है, सच में मुझे पागल कर दिया इसने। स्टॉप 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 स्टॉप, गाड़ी रुकी, प्लीज प्लीज गाड़ी रुकी, रुकी 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 प्लीज। हे क्या है, कार को क्यों रोका? भाई सुनो ना, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मेरी बाइक भी खराब हो गई है और मुझे सूर्यपेट जाना है, जॉब का इंटरव्यू है भाई। मैंने कार देखी तो इसीलिए आपको रोक लिया, वरना यहाँ पर आखिर कौन रुकता भी बताइए ना। मुझे काम से अर्जेंट हैदराबाद जाना है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। प्लीज प्लीज भाई, और किसको ट्राई कर लो? प्लीज भाई बोला ना, जरूरी है, सच में बहुत जरूरी है भाई, जॉब की बात है, प्लीज प्लीज भाई। एक मिनट प्लीज। हाँ जय बोल, क्या हुआ? हेलो भाई, कोई कार के आगे आकर लिफ्ट मांग रहा है भाई, उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सूर्यपेट तक जाना है, सब वो बोल रहा है। क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए भाई। ए, कौन है वो? आखिर तुमने कार क्यों रोकी? ओह, तेरी समझ में आ रहा ना, तू कर क्या रहा है? मैं बोल रहा हूँ लेकिन वो सुन नहीं रहा है, बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको फोन कर लूं। बेवकूफ, वो हमारे लिए शनि जैसा है। ठीक है, तू एक काम कर, मेन रोड पर तेरा ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, उसे अपनी कार के अंदर बैठा और शांति से ड्राइव कर। हाँ ठीक है भाई, उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, संभाल के हैंडल करना, अगर कोई और प्रॉब्लम हुई तो इमीडिएटली कॉल करना, ठीक है ना? ठीक है भाई। ठीक है बैठो। या थैंक्स ब्रो। थैंक यू सो मच ब्रो। ब्रो वैसे आपका नाम क्या है? अजय। वैसे क्या करते हो? अच्छा, क्या आप टीवी सीरियल देखते हैं कि नहीं ब्रो? नहीं तो। हाँ मतलब आपकी शादी नहीं हुई है? हाँ नहीं हुई है। अगर आपकी शादी हुई होती तो आप अपनी बीवी के साथ टीवी देखते, तब आपको पता चलता शादी क्या होती है। सच कह रहे हो, लगता है तुम टीवी सीरियल्स कुछ ज्यादा ही देखते हो। हाँ, देखता हूँ भाई, क्या करूं, टीवी नहीं है तो बीवी से परेशान और टीवी है तो सीरियल से परेशान। अगर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी है तो टीवी सीरियल देखना बहुत जरूरी है, अगर पति को पत्नी से दूर करना है तो सीरियल देखना जरूरी है, पापा को बेटी से कैसे दूर करना है वो भी सीरियल में दिखाते हैं, यहाँ तक कि अपनी सगी बहन को कैसे सताना है वो भी सीरियल में अच्छे से दिखाते हैं। सास अपनी बहू को कैसे मार सकती है उसके लिए भी सीरियल है, भाई के लिए पति को जेल कैसे भेजे ये भी सीरियल में दिखाते हैं। बस इतना ही काफी नहीं है जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, इसके अलावा और भी सीरियल दिखाते हैं। वो एक सीरियल है ना जिसमें सभी लोग घर में रहकर झगड़ा करते हैं, इन सभी प्रोग्राम्स की वजह से सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि नहीं भाई? और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सीरियल्स और शोज हैं ना इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक इसे टीवी पर दिखाते रहेंगे सब परेशानी होते रहेंगे। वैसे मेरे हिसाब से
इन सीरियल्स और प्रोग्राम का हमारे जिंदगी में सिर्फ एक ही यूज होता है। जैसे ही सुबह होती है सास बहू आपस में झगड़ा करना शुरू कर देती हैं और शाम होते ही दोनों आपस में और मिलजुल कर टीवी देखना शुरू कर देती हैं। क्या हो गया भाई? टायर पंचर हो गया। शे हाँ जय बोल, क्या हुआ अब? भाई टायर पंचर हुआ है भाई। ओ, स्टेपनी है ना, चेंज कर। मुझे ये सच में नहीं आता है भाई। ओ, इतना भी काम नहीं आता तुझे? शिट, मुझे सच में नहीं पता है भाई, मैंने ये कभी काम नहीं किया है। ठीक है, किसी ने तुम्हारी कार में लिफ्ट ली थी ना? हाँ। अभी उसे फोन दे, मैं बात करता हूँ। ओके। देखो मेरे सर बात करना चाहते हैं। हेलो। और कैलाश भाई कैसे हो तुम? वो पास में है क्या तुम्हारे? नहीं भाई, वो दूर खड़ा है। उसे तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं हुआ ना? नहीं भाई, सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे ही मौका लगे उस बेवकूफ को खत्म करके सारा माल चुरा लो। एक बार माल हमारे हाथ आ गया फिर उसके बाद तुम्हारा 50, मेरा 50। बड़े भाई को पता चला तो कोई खतरा तो नहीं? देखो कैलाश, जो लड़ाई करेगा और जो उस लड़ाई में जीतेगा वही राजा, राज्य उसी का। ठीक है भाई, मैं सब कुछ देख लूंगा। भाई आपके सर ने टायर चेंज करने को बुलाया है, कहाँ पर है वो? हाँ भाई, मुझे हेल्प करो ना। अरे भाई तुमने मेरी कितनी मदद की है, मैं तुमसे हेल्प क्यों लूंगा? तुम यहीं पर रुको भाई। स्टेपनी किधर है? इधर आओ। यहाँ क्या कर रहे हो? सर कार का टायर पंचर हो गया है सर। तुम्हारी बातों में कॉन्फिडेंस है लेकिन तुम्हारी आंखों में कंफ्यूजन है। कुछ नहीं है सर। कार में कौन बैठा है और क्या है? वो मेरा फ्रेंड है सर, कार में इलेक्ट्रिक का सामान है। कार चेक करना है। कार लेकर क्यों भाग रहा है? ओके सर। आइए सर, कमान कमान, चलिए सर, जल्दी करो। बैंक के ऑपरेशन में 10 लाख मांग रहे हैं। आप मेरे पास आ जाओ। 10 लाख विद इंटरेस्ट। जल्दी से आ जाओ तुम बस। ये पैसा उसके मुंह पर मारकर तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा, मेरा यकीन करो। हम एक प्लान करते हैं तो भगवान कुछ और ही प्लान करके चलता है। मेरी समस्या है, मुझे भगवान को जरा याद करना होगा। जिसको आंसुओं की कीमत पता है उसे ही रुला देता है, जिसे दुख होता है उसी को ही दुख पहुंचाता है। जैसे कि मेरी बहन और मेरा प्यार प्रिया, इन दोनों को बचाना है। पहले मुझे ये काम करना जरूरी है। ढूंढो तो कुछ भी मिल सकता है, कोशिश की तो कुछ भी कर सकते हैं, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार भी नहीं होती। कैलाश क्यों कार लेकर गया है? हमें असल में कार चाहिए या माल? अब्दुल को पता चलने से पहले कार कहां पर है मुझे पता लगाना होगा। अब मेरी सिचुएशन करो या मरो की है और मैं ये जरूर करूंगा। कहाँ से हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? सर मेरा नाम प्रिया है।
मैं अपने दोस्तों के साथ अब पिकनिक के लिए आई थी। मैं रास्ता भटक के उनसे अलग हो चुकी हूँ और तौर मेरा मोबाइल भी गुम हो चुका। कैसे भी भाग भाग के रोड तक आ गई। देखो लड़की हो तुम, थोड़ा होशियार रहना चाहिए ना तुम्हें। प्लीज सर। ठीक है, जीप में बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो बेबी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हम दुबई चलते हैं। जितना सोना चाहिए उतना ले लेना तुम। जितना भी सोना है सारा का सारा पहन के टीवी सीरियल देखना। अब ठीक है ना? ये सच है क्या बेबी? यस, तुम आ रहे हो ना? मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन ये टीवी सीरियल देखना छोड़ के लगेज पैक करो, हमें कल ही दुबई निकलना है। ओके बेबी, मैं इंतजार करूंगी। बाय बेबी। बाय। भाई, मुझे माफ कर दो। जब मैंने पुलिस को देखा तो कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए वहां से मैं भाग गया। भाई मुझे माफ कर दो। भाई बॉक्स कहां पर है? भाई माल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। भाई माल? रोक! सर। प्रिया, कहाँ से हो? वाइजक। वाइजक? पिकनिक के लिए आई थी क्या? हाँ। बॉयफ्रेंड नहीं है? है सर, लेकिन हमारे बीच थोड़ा झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा हुआ? स्मोक करने के लिए मना किया था सर, फिर भी स्मोक किया उसने। उसके लिए भी कोई झगड़ा करता है? हाँ, वो बहुत बड़ा चेन स्मोकर है सर, इसीलिए ब्रेकअप कर लिया उसने। आजकल की लड़कियाँ भी ना बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। पिज्जा का वादा करके अगर शाम को पिज्जा नहीं लाया तो तलाक दे देती हैं। हाँ, आपको? डिवोर्स हुआ है। डिवोर्स? हेलो डेविड भाई। हेलो सर। मेरे यहाँ कुछ अच्छा नहीं है सर। मेरी साइड तो बहुत ब्यूटीफुल है। कैसे सर? एक सुंदर लड़की को लिफ्ट दिया है, और क्या? तो कुछ गिफ्ट भी दे दो सर। वो लेगी क्या? फोन दो सर। क्या फोन गिफ्ट करना है क्या? नहीं सर, उसके साथ बात करूंगा, फोन दो उसे। ठीक है, मेरे एक दोस्त के साथ जरा बात कर लो। हेलो। ये लड़की सर बहुत स्ट्रिक्ट है, सीनियर और सिंसियर है सर, कुछ भी मांगे तो दे देना।
ठीक है ना? ओके सर, ओके। सर ओके बोली क्या? ओके का मतलब वन किस है। फिलहाल वो मिस है, जीप से उतरते वक्त वो आपकी मिसेस हो जाएगी। ओके। बाय द वे, गाड़ी का आपको कुछ पता चला सर? वो गाड़ी कहाँ जा रही है उसकी पक्की जानकारी है मेरे पास। वेरी गुड सर, मुझे पता है आप कुछ भी करके उसे पकड़ लेंगे। इस वक्त मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। इंसान पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, करोगे तो मारे जाओगे। उसका स्वभाव और उसकी बातें सब कुछ मोह माया है। उसका और कौन है उसे ही पता चलेगा, और किसी को नहीं। पता चलने से हम नहीं होंगे। मेरी मृत्यु की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, ट्रेन के हॉर्न की तरह। प्रकाश बोलो। सर वो मुझे मिल गया सर। मिल गया क्या? उसे लेकर पुलिस स्टेशन आओ, वहीं मिलकर अपना इंट्रोडक्शन दूंगा उसको। ओके सर। चलो। सर 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 प्लीज लिफ्ट सर। सर मुझे शहर तक जाना है प्लीज सर। ठीक है बैठो। थैंक यू सर। मेरे बेटे से बात तो करो। भाई माँ जी का फोन है, भाई आपसे बात करना चाहती हैं। तुमको कितनी बार बोला है रे, कभी भी फोन उठा कर मत दिया कर। माँ तेरी तबीयत तो ठीक है बेटा? ठीक है माँ। अच्छे से अपना ध्यान रखा कर, सही समय पे खाना खाया कर बेटा। ठीक है माँ। ऊपर वाले का ध्यान करता है ना बेटा? हालेलुया, ठीक है माँ। बेवकूफ कहीं का, हमारे यहाँ इतनी टेंशन है, माँ की बातें कैसे सुन सकते हैं? हेलो डेविड भाई। सर सारा माल कार में है और कार पुलिस स्टेशन में, स्टेशन मेरे कंट्रोल में है। मुझे पता था सर, आप बहुत सिंसियर ऑफिसर हैं। इसीलिए ना मेरा कमीशन 75%। सर पुलिस वालों का इतना कमीशन थोड़ी ना बनता है। माल सरकार को दे दिया तो मुझे कमिश्नर का प्रमोशन मिलेगा? एक बार ठीक से सोच लो। ठीक है सर, अब क्या कर सकता हूँ मैं? 75% आपका और 25% मेरा। हाथ में सिर्फ घड़ी होने से कुछ नहीं होता, अपना समय भी अच्छा होना चाहिए। मेरा तो समय खराब चल रहा है, सब कुछ हाथ में आकर निकला जा रहा है। क्या कर सकता है कोई? ए, तेरा क्या हुआ रे? गोलियां गिर गई थी भाई। अरे कैसे लोग हैं? डेविड, हेलो। क्या चल रहा है ये? कोई सुनामी आने पर भी नहीं रो रहा है और एक जूता गीला हो गया इसलिए रो रहा है। किसका है भाई वो जूता? क्या करूं मैं इनका, क्या करूं? डेविड हेलो। ओके ना? ओके सर। ओके ओके। ए, चल यहां से। चार गोली और बची है। Thank you.
हेलो मकरंद भाई, काम तो पूरा ठीक है ना? सब कुछ ठीक है भाई, अब्दुल भाई का फोन भी आया था। ठीक है भाई, मलेशिया से इतनी दूर आया हूँ तो तुम्हारे लिए अच्छा सौदा भी सेट किया ना, मुझे पार्टी वार्टी नहीं दोगे? भाई आपको पार्टी दो, इतना बड़ा आदमी भी नहीं हो, लेकिन आपकी खुशी के लिए दे रहा हूँ। बोलिए क्या चाहिए भाई? कैसी पार्टी करनी है ये तुम डिसाइड करो। एक अच्छा पब है भाई, आज इंडिया का सेमीफाइनल क्रिकेट मैच भी है, क्रिकेट देखकर एंजॉय करेंगे। आ जाओ भाई। सर सर सर, चल जैकेट उतार। सर क्या बात है, उतार नहीं रहा तो? सर गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट किया है। हाँ समझा करिए सर। लाठी। यस सर। चल उतार, चल उतार, चल उतार। सर सर, चल बता तू कौन है, कार चोरी क्यों की? सर मत मारिए सर, प्लीज सर। सर, बोल, सर सर बोल, बताता हूँ सर, बोल, बताता बोल, बोल, जल्दी बोल। सर मेरा नाम कैलाश है, मैं बाइक्स और कार चोरी करता हूँ सर, फिर उस कार को सेकंड हैंड में बेचता हूँ सर, बस मैं यही सब करता हूँ सर। तो अपनी झूठी कहानी मुझे मत सुना, कार लेकर क्यों भागा, कार में क्या है? बोल, सर, बोल, सर, छोड़ दीजिए। सर सर छोड़ दीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अब बैठिए। क्या हुआ है बताओ, कुछ बोला क्या है इसने? ये ऐसे कुछ नहीं बोलेगा सर, पहले कुछ पता नहीं है ऐसा बोलेगा। फर्स्ट डिग्री शुरू करेंगे तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी तो ये बोलेगा कि मुझे सब पता है और सब सच बताएगा। चल पहले खड़े हो जाओ। और सर सर इसका मैटर बाद में देखूंगा, सेल में डाल रहा है इसको। ए, चल। सर 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 मुझे यहीं पर उतरना था सर, थैंक यू। ठीक है। सर सर मुझे कुछ नहीं पता सर। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं मैं, एनकाउंटर लिस्ट में तेरा नाम होगा ये मुझे पसंद नहीं। उस कार में क्या है ये मुझे पता है, वो अभी कार में है कि नहीं है, किधर है बता दे, इतना काफी है। फोन कर सकती हूँ क्या? कौन है आप? वो सीआई सर को पता है। ठीक है कर लीजिए। अभी सिर्फ गन निकाली है, नहीं बताया तो बुलेट तेरे सिर में घुसेड़ दूंगा। अजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ। पहले मेरी बात सुनो, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले हमें यहाँ से भागना होगा। उस टेबल के ऊपर कार की चाबी है, वो लेकर बाहर आ जाओ, मैं यही इंतजार करता हूँ। वो सर कार के अंदर माल है सर। कहाँ है? कार के बैक साइड कवर में सर। उसने कुछ बताया सर? हाँ बताया, बोल रहा है कार में ही है। ए, जाके कार चेक कर। सर कार नहीं है सर। क्या कार नहीं है? नहीं सर। हे सर लड़की भी गायब है सर। क्या है?
कैलाश। हेलो अब्दुल भाई। माल मिल गया क्या? मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था भाई। पुलिस वालों को तूने कुछ बताया तो नहीं? नहीं भाई, मैं पुलिस स्टेशन से भाग आया। वो अजय ना भाई, वो बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत बड़ा होशियार आदमी है। उससे हम लोगों को संभल के रहना होगा। उसको तो मैं बाद में देखूंगा, ये 10 करोड़ का मैटर है। अभी आता हूं मैं वहां। बेवकूफ कहीं का, अब तू यहां आके क्या कर लेगा? तेरे आने से पहले वो माल ले जाकर और 10 करोड़ अपने खाते में डाल लूंगा। इसकी तो छोड़ूंगा। हेलो। बैड लक के ब्रांड एम्बेसडर अकेले तुम नहीं हो भाई, उस लिस्ट में मेरा भी नाम है। वो कार बिल्कुल मेरे सामने थी लेकिन अब गायब हो गई है। आपके लिए तो कार ही गई सर, मेरे लिए तो मेरा दिया हुआ पैसा, उधार लिया हुआ इंसान और उसकी वो लवर लड़की और वो डील, सब कुछ चला गया सर। क्या हुआ रे? मेरी जेम्स की सारी गोलियां खो गई भाई। कोई घर जाने पर रो रहा है और कोई जल गया इसलिए रो रहा है। उसका क्या जला है भाई? मेरा पिछवाड़ा जल रहा है। कुछ भी करके उसे पकड़ूंगा जरूर भाई। सीआई साहब, मैं भी आ रहा हूँ, उस अजय और उसकी लवर को पकड़ के अपना गुस्सा निकालूंगा। इसकी तो ऐसी तैसी। मेरा जेम्स का डब्बा खो गया है भाई, आपका लॉलीपॉप मिला है भाई। चल पागल कहीं का। भाई 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 लिफ्ट लिफ्ट। भाई भाई रुकी, लिफ्ट। मैं बिना तुम्हें लिफ्ट क्यों दूँ? अबे तुमसे लिफ्ट कौन मांग रहा है? तेरी तो मुझे मारता तेरी तो रुक। बाइक बाइक बाइक, मेरी बाइक। ए छोड़ छोड़ छोड़। अरे मेरी बाइक ले, कहाँ जा रहा है भाई?
चलो चलो चलो। बुलेट से पता नहीं हम लोग कैसे बच के निकल गए। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है हम बाल बाल बच गए। हमारी किस्मत अच्छी थी, पहले उस डेविड से और अब इससे बच गए। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। एक बात बताओ प्रिया, तुम उस डेविड से बचकर कैसे भाग आई? जब मैं वहाँ थी तो मेरे कमरे में एक बार भिक्षापति जी मुझसे कुछ बात करने आए थे। मेरे भाई ने तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए बोला है, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम पर नजर रखूंगा। मुझे एक बार फोन दो ना प्लीज, मुझे मेरे पेरेंट्स को कॉल करना है। बाप रे, भाई को पता चलेगा तो मुझे मार डालेंगे। नहीं 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 नहीं, भाई के बारे में तुमको पता नहीं है। अरे अरे बाप रे, मेरे सारे जेम्स गिर गए। दो तीन चार, तुम्हारे चक्कर में मेरे जेम्स गिर गए। वो तो बड़ा जेम्स बॉन्ड निकला। जेम्स के प्यार ने मुझे बचाया। हेलो पापा। अरे अजय। पापा कहाँ हो तुम? कैसे हो? आ रहा हूँ पापा। तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत याद कर रही है। पापा एक बार फोन बहन को दो ना। हेलो। मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं भैया। तुम्हें कुछ नहीं होगा खुशी। तुम हो तो मुझे कुछ नहीं होगा, पर मुझे बुरे सपने आपके बारे में आ रहे हैं भैया। अपना ध्यान रखना। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है भैया। मेहंदी का रंग अच्छे से आया तो अच्छा पति मिलेगा तुझे। जाओ भैया। क्या सोच रही हो? मुझे माँ की याद आ गई भैया। तुम ही मेरी माँ हो, खाना बनाती हो, फिर मुझे तुम खिलाती भी हो, सोते समय लोरी सुनाकर तुम मुझे सुलाती भी हो। मेरी वजह से ही प्रिया इतनी तकलीफ में है। प्रिया मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी वजह से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि तुमसे मिल पाऊंगी। इस सिचुएशन में
मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? भारत मतलब मिडिल क्लास ही याद आता है, मिडिल क्लास को पैसा याद आता है। हाथ में पैसा नहीं होता है, जो कमाया वो हाथ में नहीं आता है। यहाँ हुनर के लिए अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिलता है, लेकिन मौका नहीं मिलता। पढ़ाई का और काम का कोई भी मतलब नहीं होता है। जो काम करते हैं और उसका दिमाग से कोई संबंध नहीं होता है, उसमें भी बहुत कम सैलरी होती है और उसमें भी गरीबी की जिंदगी जीनी पड़ती है। यही मिडिल क्लास है। मेरे जैसे लोगों के लिए प्यार का चैप्टर होगा ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन तुम आई हो तो मेरे जीवन में आशाएं बढ़ी है। मेरे टैलेंट के लिए कुछ बिजनेस करके सेटल हो जाऊंगा ऐसा सोचा था। मैं अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़कर अपने टैलेंट के बेस पर बिजनेस शुरू करने की सोच रहा था। तब बिजनेस लोन के लिए एक बैंक मैनेजर को अप्रोच किया था। सर बोलिए। मेरे लोन के बारे में आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेकिन आपका फाइल रिजेक्ट कर रहा हूँ। सर लोन लेने के लिए आपका प्रोफाइल ही काफी नहीं। प्रॉपर्टी वाले या पावरफुल वाले जो हैं उनकी सिक्योरिटी देंगे, तब सोच सकता हूँ। गवर्नमेंट का लोन किसे मिलता है सर पता है? जिसके पास पैसा है उसे ही मिलता है, पर जिसको पैसा चाहिए उसे नहीं। पैसे देना ही सब कुछ नहीं होता है मिस्टर अजय। दिए हुए पैसे को कैसे वापस लेना है यही हमारा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट्स पब्लिक मनी, लोगों का पैसा है। कौन है सर वो लोग? माल्या और अदानी और अंबानी, यही लोग है ना सर? सही कहा ना? हाँ, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। हमारे भी कुछ नियम होते हैं ना, अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। लोन तो मिला नहीं और साथ में फाइनेंस भी। भगवान भी जिसको दौड़ाना है उसको ही दौड़ाता है और उसके ऊपर ही दबाव डालता है। तभी बहन का ऑपरेशन का समय आया। बहन का ऑपरेशन, बिजनेस, कैश, हम जब भी मुसीबत में आते हैं तभी दूसरे लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हमें 2 रुपए का ब्याज बोलकर उसके बदले 10 रुपए का ब्याज लेते हैं। तब तुम ही मुझे बताओ, मेरी सिग्नेचर पर मुझे 10 लाख कैसे मिलेंगे? उसी सिग्नेचर से मुझे मेरा महत्व पता चला है। हर बार पैसा ही सब कुछ नहीं होता है और बहुत कुछ होता है। 10 लाख और उस पर इंटरेस्ट, इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है और कोई सोर्सेस भी। इस हालत में हम क्या कर सकते थे? तभी मुझे डेविड मॉर जैसे दिखने लगा था और उसके बाद मेरी जिंदगी में अब्दुल आया। एक बार गलती करके मेरी जिंदगी को बदलना चाहा, लेकिन उस जिंदगी में तुम शामिल हो जाओगी मैंने ऐसा सोचा नहीं था प्रिया। मुझे कुछ हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी प्रिया। तुम और मैं अलग नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी हर मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ दूंगी अजय।
अजय, are you okay?
तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। अगर कोई कभी मुझसे पैसा लेता है तो घर पे आके मुझे रिटर्न देता है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ऐसा घुमाया। नहीं, मैं तुम लोगों को इसके लिए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। किसे मारूं पहले, इसको मारूं या तुमको? 10 करोड़ के साथ तुम्हारी जान बोनस में है। माल दे, दे माल, दे माल। सुन, तुम तो मेरे सामने बच्चे हो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे पता है। इस डील का मेन पर्सन तुम ही हो, मुझे समझ में आ गया है। मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ, माल के लिए आया हूँ। इधर दे। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा। इस माल से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। क्या बोला? क्या छोटे बच्चे की तरह बात कर रहा है? जल्दी से माल मुझे दे दे, नहीं तो इस लड़की को मार दूंगा। अभी सुन, इस सब के साथ हवाला लोगों के पास हाफ करेंसी होती है ना, ऐसा तुम्हारे पास कुछ है क्या? वो भी दे दे।
अब तुम दोनों जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ यहां से। जरा रुको, मैं भूल गया, इस ऑपरेशन का कोड क्या है? M3। जाओ अब। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम माल बेच के पैसे ले आते ना। मेरे लिए उसे मारने से ज्यादा तुम्हें बचाना इम्पोर्टेंट था। डेविड मर चुका है, तुम्हारा मेजर प्रॉब्लम भी गया, लेकिन तुम्हारी बहन का ऑपरेशन है, अब क्या करेंगे? नोट पर जिसका नाम होता है उसे ही मिलता है ऐसा बोलते हैं, मेरे नसीब में तो वो नहीं है। बहुत जोखिम उठाया पर कुछ नहीं मिला मुझे, फिर भी बहन को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। डोंट वरी, चलो कुछ खा लेते हैं। हैदराबाद से वाइजाग आने के बाद ATM और पेटीएम खाली हो चुका है। हे, हमारा फेवरेट डिश तुमने ही ऑर्डर किया ना? तुम्हारे साथ ही होना, मैं कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ? फिर किसने किया? एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, 10 साल से युवा लोगों को ड्रग्स की लत लगाने वाला ड्रग्स माफिया का पता चल गया है। दुबई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम का ये माफिया डॉन कुछ लोगों को पैसे देकर उनको ड्रग्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहा था। आपको बता दे कि हैदराबाद का मकरन भाई, विशाखापट्टनम का मुकेश भाई, दुबई का मसूद भाई इस गैंग के मेन लोग हैं। AM3 गिरोह के माफिया लोगों को अंडरकवर ऑपरेशन में मेजर जनरल राजा सिंह को 2 राज्य के मुख्यमंत्री और बहुत लोग अभिनंदन दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे News 20। आप दोनों की फेवरेट डिश है ना, खाओ ना। आप यहां कैसे सर? पहले तुम खाना खाओ, फिर सब बताता हूं। मेरा नाम है राजा सिंह, मैं एक रिटायर्ड मिलिट्री मेजर हूं। मेरा एक बेटा है, छोटा है, उसका नाम राणा है। मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग में उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की मैंने, जो मांगा वो सब दिया, लेकिन पैसा उसके हाथ में नहीं दिया। ये माफिया लोग उसे पैसा दिखा के ड्रग सप्लाई करवाते थे, उसी में उसकी जान चली गई। उसे किसने मौत के घाट उतारा वो ढूंढ रहा था, तब तुम दोनों मिले। मेरे बेटे जैसे दिखते हो तुम। आखिरी वक्त पर मेरा बेटा जगदम्बा सेंटर में दिखा था मुझे, फिर वो नहीं मिला उस सेंटर में, कभी नहीं मिला। मैं अपने बेटे के कातिलों को कई दिनों से ढूंढ रहा था, तभी तुम्हारे जैसे बच्चों को पैसा दिखाकर इस धंधे में ढकेलने वाला अब्दुल भाई मुझे तुम्हारी वजह से मिला। मेरे बेटे जैसी तुम्हारी जिंदगी ना हो, इसीलिए मैंने ये खेल शुरू किया। चेक पोस्ट के पास, रेलवे ट्रैक के पास तुम्हें बचाने वाला मैं ही था। तुम्हें जाने से वहां रोका, लेकिन वो माल मैंने भेज दिया, और उन सबको भी जहां जाना चाहिए वहां भेजा। इस M3 गैंग को खत्म कर दिया मैंने। अब मेरा गुस्सा कम हुआ है। उस कार में वही पीछे की सीट पर 50 लाख पड़े हैं, ये लो कीज।
एक मिनट भी रुकना मत। जाओ। इतना पैसा आप हमें क्यों दे रहे हो सर? अजय, ये पैसे मैंने अपने बेटे के लिए रखे थे। तुझ में अपना बेटा दिखता है मुझे, तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं दे रहा हूं मैं। इन पैसों से बिजनेस शुरू करो, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। उसके बाद अगर मन किया तो पैसा वापस दे दो। सर, अरे उठो, थैंक यू उठो। ऑल द बेस्ट।